डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर जो आते हैं वो सब हमने पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिया था मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा था। और सेंट्रोइड क्या होता था, सेंट्रोइड आपको याद होगा कि मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता था, ठीक है। सेंट्रोइड मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता था। उसके बाद हमने इन सेंटर पढ़ लिया था। इन सेंटर आपने देखा था कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू बनता था, एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू बनता था। तीसरा आप लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, तीसरा आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सेंट्रोइड इन सेंटर। उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा, सरकम सेंटर पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, सरकम सेंटर पढ़ा था, है ना। और फिर आप लोगों ने फोर्थ नंबर पे पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा था बेटा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपने क्या पढ़ लिया था बेटा, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया था, ठीक है। ये चारों चीजें हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सेंटर को अपन आई से कर लेते हैं, सरकम सेंटर को ओ से कर लेते हैं, और जो ऑर्थो सेंटर रहता है इसको अपन एच से डिनोट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा पॉइंट ये कल के लेक्चर तक हम लोग कर चुके थे। तो आप लोग इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला कर चुके हैं। इन दोनों के कोऑर्डिनेट मैंने कहा है कि अभी आपको डायरेक्टली नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट याद नहीं करने होते हैं इन दोनों के, है ना। आगे चल के आप सीखेंगे कि कैसे निकलता है, वो आगे चल के आप सीख जाएंगे, है ना। पर डायरेक्ट इनके याद नहीं करते, इन दोनों के तो याद करने हैं आपको। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक रह गया है, उसको भी हम और खत्म कर लेते हैं। एक जो पॉइंट आपका रह गया दैट इज एक्स सेंटर, एक जो पॉइंट आपका रह गया है दैट इज एक्स सेंटर, है ना बेटा। कोई भी चीज जो उसमें क्लियर नहीं है वो आप कल की वीडियो देखें, है ना। कल मैंने वो डाल दिया है, लिंक आपके ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप उसको देखें और वहां से क्लियर करें पहले, है ना। चलिए एक्स सेंटर आगे बात करते हैं, एक्स सेंटर की बात करते हैं। आप लोगों को बेटा इन सेंटर अच्छे से याद होगा। इन सेंटर क्या होता था, किसी भी ट्राइंगल में जब हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते थे तो इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो दो हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था उसे आप इन सेंटर बुलाते थे, ठीक है बात ये। उसी सिलसिले में अब हम आगे बढ़ेंगे, उसी सिलसिले में अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया सारा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल थी एक्चुअल में एबीसी। ट्राइंगल कौन थी बेटा, एबीसी। देखिएगा ए ये रहा, बी ये रहा, ध्यान से मेरे साथ साथ जुड़े रहना, बड़ा आसान सी चीज है एबीसी, ठीक है जी। एबीसी क्लियर है। मॉड्यूल के डाउट बेटा अभी आज लेंगे, है ना। कुछ डाउट्स आज हमारे हो जाएंगे, इसको खत्म करके फिर मॉड्यूल के डाउट पे ही मैं पहले आऊंगा। हाँ जी, एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जब ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर यूज करते थे, एंगल बाइसेक्टर कौन से यूज करते थे, इंटरनल वाले, आप लोग ए से बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, बी से करते थे और सी से करते थे, और फिर जो पॉइंट आता था उसे इन सेंटर कहते थे। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंगल का तो इंटरनल बाइसेक्टर ले रहा हूँ, दैट इज ए का। ए का तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल बाइसेक्टर ले रहा हूँ। देखना कैसे लूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से देखो, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले आया। इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है बेटा, आपको मालूम है अच्छे से कि वो इस एंगल को और इस एंगल को बराबर बराबर बांट देगा। ये पार्ट और ये पार्ट इसके बराबर आ जाएगा। ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर, इंटरनल, जो ए को बांट रहा है, ए को इंटरनली बांट रहा है। और बाकी दोनों जो एंगल हैं बी और सी, बी और सी के मैं एक्सटर्नल एंगल लूंगा ट्राइंगल के। एक्सटर्नल कौन सा बेटा, ये देखो जरा, ये एक्सटर्नल होगा कि नहीं होगा, क्या इसे आप एक्सटर्नल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी से बताइए, क्या सबको एक्सटर्नल एंगल क्लियर है? ट्राइंगल में जब आप साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो जो एंगल बाहर फॉर्म होता है उसे एक्सटर्नल बोला जाता है। ये अंदर वाला तो इंटरनल होता है और ये जो बाहर है इसे एक्सटर्नल बोला जाता है। ऐसे ये सी पे इंटरनल होगा और ये एक्सटर्नल होगा। पहले तो ये बताओ सबको एक्सटर्नल एंगल क्लियर है कि नहीं है? आप सबको एक्सटर्नल एंगल के बारे में जानकारी है? चलो, तो अब ये जो बाहर आपने एक्सटर्नल एंगल किया है, जब इसको आप बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जब आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जैसे आपने इसको ऐसे बांट दिया है ना, एक तो ये ऐसे बांट दिया, ठीक है, हल्का सा ऐसे कर दिया, यानी कि ये वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर बांट दिया। ऐसे ही आपने यहां से भी क्या किया बेटा, आपने यहां से भी इसको भी बाइसेक्ट किया, ये इसको भी बाइसेक्ट किया और यहां पे ले आया, समझ रहे, इसको भी बाइसेक्ट किया और यहां पे ले आया। तो ये तीनों पॉइंट आगे जहां पर मिले, कौन कौन से तीनों पॉइंट की बात चल रही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से तीनों पॉइंट्स की बात चल रही है, तीनों पॉइंट कह रहा हूँ, तीनों लाइनों की जो बात चल रही है, ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर और ये दोनों हो गए एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो इन दोनों से जो ये पॉइंट आपको मिला यहाँ पर, इसे आपको क्या बुलाते हैं, जो आप अभी टाइटल पढ़ रहे हैं दैट इज एक्स सेंटर। इसको क्या बुलाते हैं बेटा, एक्स सेंटर। क्या बुलाते हैं बेटा, एक्स सेंटर। बोलो किस किस को क्लियर है कि जैसे ही आप दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स को लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, एक्स सेंटर, ठीक है बेटा। अब इसकी खास बात क्या होती है कि जब इसको आप सेंटर मानेंगे, सुनना बेटा ध्यान से, जब इसको आप सेंटर मानेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, वो सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो जो सर्कल होगा वो यहां से भी टच करके जाएगा, इस पे भी टच करेगा, है ना, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, इस पे भी टच करेगा और ऐसा,
समझ रहे हैं? यानी उस सर्कल की खास बात क्या होगी, समझ रहे हैं, कि वो ट्राइंगल की इस साइड को भी टच करेगा, इस साइड को भी टच करेगा और इस साइड को भी टच करेगा। समझ रहे हैं? क्या आपको याद है इन सर्कल जो बनता था, इन सर्कल कितने बच्चों को याद है, क्या आपको इन सर्कल याद है? इन सर्कल कुछ ऐसा होता था बेटा, बोलो बोलो, क्या इन सर्कल याद है आपको? इन सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच करता था, एक्स सर्कल, इसे क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है, बोलो, एक्स सर्कल क्लियर है क्या आपको? और इस एक्स सर्कल का ही जो सेंटर होता है उसे आप क्या बुलाते हैं, एक्स सेंटर बुलाते हैं। इस एक्स सर्कल का ही जो सेंटर होता है उसे आप एक्स सेंटर बुलाते हैं। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्स सेंटर किसको कहते हैं, एक्स सेंटर किसको कहते हैं? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताइए, एवरीबडी रिप्लाई दो यार, एक्स सेंटर किसे कहते हैं, क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर आएगा, इस बात को भी सोचना, क्योंकि मैंने किया क्या, मैंने इस साइड को और इस साइड को आगे बढ़ाया था, मैंने इस साइड को और इस साइड को आगे बढ़ाया था, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दो साइड आगे बढ़ेंगी। देखना कैसे, पूरी कहानी को समझना मेरे साथ साथ, पूरी कहानी को समझना मेरे साथ साथ। मान लो जैसे ट्राइंगल है बेटा, इसको मैं ले गया थोड़ा ऊपर, चलो बेटा आप देखना जरा ध्यान से, है ना, वेट जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको लाइन को पूरा ही अच्छे से बना देता हूँ। ये लो बेटा ट्राइंगल, अब की बार कौन सा है, देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका सी। अब की बार, पिछली बार आपको पता है मैंने कौन कौन सी साइड बढ़ाई थी, पिछली बार पता है आपको कौन कौन सी साइड बढ़ाई थी, ये और ये बढ़ाई थी। अब की बार कौन कौन सी बढ़ाई, एक तो इसको बढ़ा दिया और एक इस साइड को आगे बढ़ा दिया, समझ रहे? तो दो एक्सटर्नल एंगल अब की बार कौन कौन से हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए, एक एंगल तो ये रहा एक्सटर्नल जो बाहर बन रहा है और एक एंगल ये रहा एक्सटर्नल जो बाहर बन रहा है, और इंटरनल कौन सा, ये वाला। इन तीनों के बाइसेक्टर लूंगा, समझ रहे हैं, इन तीनों के क्या लूंगा बेटा, बाइसेक्टर लूंगा। जैसे तीनों के बाइसेक्टर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये तो इसका बाइसेक्टर आ गया, देखो समझ रहे हो, ये आ गया बी का बाइसेक्टर। ऐसे जब इसका बाइसेक्टर लिया जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा, और जब इसका बाइसेक्टर लिया जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। किस किस को क्लियर है पॉइंट, जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट, ये भी एक्स सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, दो तो एक्सटर्नल आ गए और एक क्या आ गया बेटा, इंटरनल आ गया, दो तो एक्सटर्नल आ गए और एक क्या आ गया बेटा, इंटरनल आ गया। क्लियर है सबको, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्लियर है, ठीक है। यहां से भी एक सर्कल बनाया जा सकता है जिसका सेंटर ये होगा, और वो सर्कल क्या करेगा बेटा, ट्राइंगल की अगेन वही तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, है ना, ऐसे आप टच करा देना, मैंने थोड़ा सा आगे ले गया, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर भी वो टच करते हुआ जाएगा, इस वाली पे भी, यहाँ पर भी वो टच करता हुआ ही जाएगा और यहाँ पर भी वो टच करता हुआ ही जाएगा। बोलो क्या क्लियर है, बोलो बेटा। आपको सर्कल नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये आपसे कहीं पूछा, आपसे कंपटीशन में ही आएगी ये बात, है ना, सिर्फ कंपटीशन में, बोर्ड में भी नहीं आएगा, ना ही आपके नाइन्थ के सिलेबस में आएगा। आपको बस चीजें समझनी है कि एक्स सर्कल बनता कैसे है, क्या होता है एक्स सेंटर का मतलब। जैसे आप लोगों ने इन सेंटर समझा था, आप लोगों ने इन सेंटर समझ लिया था बेटा, इन सेंटर क्या होता था, जब आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करते थे। अब जिसने कल का लेक्चर पढ़ा होगा उसे याद होगा कि जब हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते थे उससे जो हमारे पास सेंटर आता था वो इन सेंटर। अब की बार क्या हो रहा है, हर बार दो तो एक्सटर्नल आ रहे हैं और एक इंटरनल आ रहा है, दो तो एक्सटर्नल आ रहे हैं और एक इंटरनल आ रहा है। बोलो जल्दी से, क्या सही बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो। अब क्या यहाँ पर ही हो सकता है और यहाँ पर ही हो सकता है सर, और कहीं नहीं। मैंने कहा एक और देखो, एक और देखो, है ना, आप समझने की कोशिश करो बार बार, मैं आपको जितने बता सकता हूँ एग्जाम्पल सारे बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। देखना बेटा, देखना बेटा, इस तरफ भी अब आपको दिख गया होगा कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, ये बन गया ऊपर की तरफ ना, यही तक रखते हैं इसको, है ना, इसको तो यहीं रखते हैं और इस वाली को हटा के यहाँ से हाँ जी बेटा, अब की बार दो एक्सटर्नल एंगल दिख रहे हैं क्या सभी बच्चों को? एक तो एक्सटर्नल एंगल बोलो ये रहा, बोलो, है ना, और एक एक्सटर्नल एंगल ये रहा, हो रहा है ना, और इंटरनल कौन सा, ये वाला, इंटरनल कौन सा, ये वाला, बोलो सही बात है। यहाँ से जैसे ही आप बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, जैसे ही आप बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, करते हैं बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर तो ये रहा, बोलो सही बात है, ये आ गया इसका बाइसेक्टर, ऐसे इसका बाइसेक्टर कहाँ से आएगा, ऐसा रहा, और इस वाले के लिए जो बाइसेक्टर होगा वो यहाँ से ऐसा आ गया,
समझ रहे हैं? हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा है और ये छोटा है, ये तो मैं रफ बना रहा हूँ ना इस वजह से, पर होगा तो एक ही पॉइंट से पास करता हुआ, ठीक है, होगा एक ही पॉइंट से पास करता हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा और इससे भी जो सर्कल बनेगा, ऑफकोर्स वो सर्कल कैसा बनने वाला है बेटा, समझ रहे हैं, टच करता हुआ जाने वाला है, समझ रहे हैं, एक सर्कल जो तीनों साइड पे टच करेगा। तो अब मुझे लगता है आप सब इस बात को बहुत अच्छे समझ गए होंगे, है ना, आप सब इस बात को बहुत अच्छे समझ गए होंगे, क्या ट्राइंगल के दोनों लेग सेम साइड पर होने नेसेसरी हैं, बिल्कुल वही है ना। अब आप सब इस पॉइंट को अच्छे समझ गए होंगे, क्या पॉइंट है मेरा, कि मेरा आपसे सवाल है ये, मेरा आपसे ये सवाल है, ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है जो किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे टच होके जा सकते हैं। अब ये सवाल है मेरा आपसे, जो फाइनली अच्छा क्वेश्चन है, कि ऐसे कितने सर्कल हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे टच होकर जा सकते हैं। सब बच्चे अपना आंसर बताएं, सब बच्चे आंसर बताएं, मैं चाहता हूँ सबका आंसर एक बार आ जाए, है ना, ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल होते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे टच हो सकते हैं। चलो बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, सही किसी का नहीं आया, आंसर सबने दिया है लेकिन सही किसी ने नहीं दिया। मानविंदर का आंसर सही आ गया है, एक बच्चे का आंसर सही आ गया मानविंदर का। तो देखो बेटा, देखो तीन तो मैंने आपको वही दिखा दिए, एक तो ये रहा, बोलो, एक जो इस साइड पर बन रहा है, एक जो इस साइड पे बन रहा है दो, एक जो इस साइड पे बन रहा है तीन, और ये छोटू सर्कल कहाँ गया, ये भी तो था जो तीनों साइड पे टच हो रहा है। तो टोटल कितने सर्कल पॉसिबल है बेटा, फोर सर्कल्स, है ना। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास बन के आता है, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पास अब आ सकता है ना, कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर फॉर विच ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल एक्ट एज टेंजेंट, एक्ट एज टेंजेंट। अब ये शब्द आप लोग शायद सुन रहे होंगे पहली बार, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है बेटा कि एक पॉइंट पर टच करके जाना, टेंजेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर टच करके चले जाना। तो पूछ रहा है ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल होते हैं जिनके लिए जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं वो टच करती हुई जाती है, टच करती हुई जाती है। तो आप लोग जरा पीछे ध्यान से देखिए, ये भी सर्कल जो है इसके लिए भी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड ने टच कर दिया, तीनों साइड ने टच कर दिया, ठीक है बेटा, तीनों साइड ने टच कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी सेम बात है, तीनों साइड ने टच कर दिया, और ऐसे यहाँ पर भी सेम बात है, तीनों साइड ने टच कर दिया। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बेटा कैपिटल ए के सामने वाले को I1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बात, ये कैपिटल ए के सामने वाले को I1 से कर देते हैं, कैपिटल बी के सामने वाले को I2 से कर देते हैं, और कैपिटल सी के सामने वाले को किससे कर देते हैं बेटा, I3 से कर देते हैं, इस चीज से इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब इसके कोऑर्डिनेट भी आसान होते हैं निकालना, अगर आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट याद है तो आप इसके भी निकाल सकते हैं। देखिए कितने बच्चों को इन सेंटर के कोऑर्डिनेट याद है, बोलो, ये कौन सी क्लास में आएगा बेटा, आ गया, कौन सी, क्या अभी वही पढ़ाई तो रहा हूं मैं, और कौन सी क्लास में सीखना चाह रहा है भाई, अभी सीखो, है ना, क्यों दिक्कत क्यों कर रहे हो, है ना, अपने लिए दिक्कत बिल्कुल मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, जब आपने ये सोच लिया कि ये तो हमसे नहीं होगा बाद में होगा, तो फिर वो कभी भी नहीं होता है ना। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रह के, मन को एकदम स्ट्रांग रखना है कि मैं तो समझ के ही रहूंगा, ठीक है, समझ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बार बार बना के देखो, अपनी कॉपी पे बनाओ, अपने आप ही होगा, कॉपी पे बना के देखो, मुझे भी थोड़ी आता था, मुझे भी थोड़ी आता था, मैंने कैसे सीखा, कॉपी पे बना बना के सीखा, आप भी सीखो, कॉपी पे बनाओ और सीखते रहो। चलो अब सुन के देखना बेटा, ये जो इन सेंटर होता है आई, इन सेंटर आई, आई के कोऑर्डिनेट में जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है, पहले तो वही बताओ, वाई लिख के भेजो, क्या आपको याद है या नहीं ये बताओ बस मुझे, कितने बच्चों को इन सेंटर के कोऑर्डिनेट याद हैं, काफी ने तो लिख के भी भेज दिया, जबरदस्त। चलो देखो बेटा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे अगर आपको याद हो, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होता था, और वाई कोऑर्डिनेट होता था ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, बताओ क्या आपको ये कोऑर्डिनेट याद थे या नहीं थे, क्या आपको ये कोऑर्डिनेट याद थे या नहीं थे, अब मुझे ये बताओ, ये स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता था, ये बताओ स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता था बेटा, स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता था, ए के सामने वाली साइड को, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को, बिल्कुल सही, बीसी को रिप्रेजेंट करता था, है ना, ये जो स्मॉल ए है कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते थे, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते थे, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते थे, याद आया बेटा, बोलो
बेटा याद तो करना पड़ेगा, आप याद नहीं करेंगे तो, जैसे एक दो बच्चे कह रहे कि सर मैं याद नहीं, तो याद नहीं था बेटा फिर कैसे करोगे, है ना, याद तो करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करो, है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोगों को ये पता चल गया। अब देखो ये तो था इन सेंटर, अगर मुझे I1 निकालना है, देखना बेटा बहुत सिंपल है, अगर आपको I1 निकालना है, I1 निकालना है, देखो I1 किसके सामने बन रहा है, कैपिटल A के, I1 किसके सामने बन रहा है बेटा, कैपिटल A के, बोलो I1 किसके सामने बन रहा है, कैपिटल A के। अगर I1 कैपिटल A के सामने बन रहा है तो आप A वाली चीज को माइनस कर दो, बस पूरे पूरे के अंदर, माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस, समझ रहे हो, सिर्फ ए को माइनस करना है, ऐसे इधर भी माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हो गया, कैसे करना है, बोलो बोलो, सिर्फ ए वाले को माइनस करना है, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा मैं, डेरिवेशन नहीं बता रहा, डेरिवेशन से तो अभी झाग निकल जाएंगे आप सबके, है ना, डेरिवेशन तो अभी आप लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है, ट्राइंगल चैप्टर जब पढ़ लेंगे उसके बाद ये भी करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर के बाद आप कर लेंगे, है ना। पर फिलहाल आप लोग कैसे याद रखेंगे कि अगर आप I1 निकाल रहे हैं यानी कैपिटल A के सामने वाला एक्स सेंटर निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, A को नेगेटिव कर देना। अब आप लोग मुझे बताना, आप लोग मुझे बताना, ये वाला जो है इस वाले के लिए आपको क्या नेगेटिव करना पड़ेगा, इस वाले के लिए आपको क्या नेगेटिव करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, इस वाले के लिए क्या नेगेटिव करना पड़ेगा, बी को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। बोलो सही बात है क्या, नहीं बोलो, आप में से ज्यादा ने खुद ही बता दिया, इतना ही टाइम लगता है याद रखने में, इतना ही टाइम लगता है याद करने में, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग चीजों के पीछे लगे रहेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, है ना। बस आपको ये क्लियर हो गया कि बी के सामने वाली साइड में बी को नेगेटिव करना है। अब ये देखो अगला कितना आसान चीज हो जाएगी, अगर इसका फॉर्मूला लिखना है अपनी कॉपी में खुद लिख लो, आप लोग खुद लिख लो, है ना, आप लोग अपनी कॉपी में खुद लिख लो एक बार, सब बच्चे पेन चलाओ, अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, जब कैपिटल सी के सामने वाले को आप करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो और वेरीफाई करो जो क्या यही आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, वेरीफाई कर लो क्या यही आएगा जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, एवरीबॉडी जल्दी से वेरीफाई करो क्या आपने भी यही लिखा है जो मैं लिख रहा हूँ, जल्दी से क्या आपने भी यही लिखा है जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे लिखा गया कि नहीं लिखा गया, जल्दी बताओ क्या आप सबने लिख दिया, है ना, आप सबने लिख लिया होगा। अब होता क्या है, ये मैं आपको मानसिकता बताता हूँ बेटा, है ना, ये मैं आपको मानसिकता बताता हूँ, है ना, अब मेरी पूरी बात को समझना कि मैं क्या होता है। आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इन सेंटर का पता भी नहीं था, उनको कल का लेक्चर उन्होंने पढ़ तो लिया था लेकिन उन्होंने रिवाइज नहीं किया, उन्हें इन सेंटर का मालूम नहीं था लेकिन अब उन्हें इन सेंटर भी याद हो गया होगा, आज जो हमने किया उन्हें इन सेंटर भी याद हो गया कि हाँ ये इन सेंटर है, ये तो कल किया था, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, है जल्दी से बताओ, जिसको याद होगा उसको तो याद ही था लेकिन अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो उसको देखो अभी याद हो गया होगा, है ना, बोलो सिंपल, आई को इन सेंटर कहते हैं, बिल्कुल। तो यही चीज होती है बेटा, यही आपकी मानसिकताएं होती है, जब आप लोग रिवाइज करेंगे प्रॉपर तो आपको याद भी होंगी चीजें, कोई मुश्किल चीजें नहीं चल रही है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं चल रहा है, सिर्फ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए कि हाँ आपको पढ़ना है, अगर आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, बार बार करते रहो, रिवाइज करते रहो, अब आज का काम ये रिवाइज कर लेना, ठीक है, जल्दी से जिसने स्क्रीनशॉट लेना जल्दी ले लो, यहाँ से आपका स्टार्ट था, जल्दी स्क्रीनशॉट लो एवरीबॉडी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आई होप यहाँ तक कर लिया होगा सबने, ये आपका अगला पॉइंट, इसका आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर इज 4, 1 इन सर्कल, एक तो इन सर्कल आएगा और एंड 3 x सर्कल, एक तो इन सर्कल आएगा और 4 x सर्कल आएगा, जल्दी नोट कीजिए, 1 in circle एंड 4 x सर्कल, ठीक है ना, आई होप एवरीबॉडी आप सबको मामला अच्छे से इसका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक छोटू सा पॉइंट और रह गया है, उसके बाद हम ये सेंटर वाली कहानी बंद करेंगे, एक छोटू सा पॉइंट और रह गया उसको लिख लीजिए बेटा, है ना, छोटे से पॉइंट कुछ और रह गए, लिखिए, सबसे पहले तो सेंट्रॉइड लिखिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स जॉइन ऑफ, सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर,
सेंट्रोइड्स डिवाइड्स जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ टू रेशियो वन। लिखो बेटा इस पॉइंट को, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रोइड डिवाइड्स जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ टू रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका मतलब समझिएगा क्या है। कह रहा है कि जो सेंट्रोइड होता है, देखो जैसे एक लाइन है, एक लाइन से अगर आप क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर यानी एच, ऑर्थो सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते थे आपको याद है, ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते थे, और सर्कम सेंटर को मैंने कहा था किससे रिप्रेजेंट करना है, ओ से। सर्कम सेंटर को किससे करना है, ओ से, याद रखना इस चीज को, ऑर्थो सेंटर एच से और सर्कम सेंटर ओ से। तो ये जो ज्वाइन कराते हैं इसको, तो जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा क्या करता है बेटा, इनको टू रेशो वन में डिवाइड करता है। यानी कहीं यहाँ पर सेंट्रोइड आपका आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रोइड को, और ये रेशियो कितना आ जाएगा, टू रेशो वन आ जाएगा, ये रेशियो कितना आ जाएगा, टू रेशो वन आ जाएगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी लिया है, मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी लिया है, वहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं, अगर मुझे जी पता है, ओ पता है, मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, कोई भी कोऑर्डिनेट मैं बड़े आराम से यहाँ पर निकाल सकता हूँ, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस चीज को एक बार आप नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर आपको क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, नोट करो जल्दी। चलो क्वेश्चन करते हैं अब इसके ऊपर ना, इस पूरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आपको गिवन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इफ सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, है ना, सेंट्रोइड आपको गिवन है, लिख लीजिए, सेंट्रोइड आपको गिवन है 3.3, सेंट्रोइड आपको गिवन है 3.3, सर्कम सेंटर ये गिवन है आपको 6.2, सेंट्रोइड इज 3.3 एंड सर्कम सेंटर इज 6.2, देन फाइंड ऑर्थो सेंटर। अब देखो आपको याद ये करना है कि आपको एच निकालना है, आपको जी दिया हुआ है, सेंट्रोइड माने जी और सर्कम सेंटर माने ओ, ठीक है, और रेशो क्या होता था याद है, क्या बोलते थे अपन, एच जी ओ, ये रेशो होता था कितना, ये रेशो होता था 2:1, ऐसे याद रखना है, एच जी ओ ऐसे बोलना है ना, मनी मन में बोलो, अपने साथ बोलो, एच जी ओ और रेशो आएगा 2:1, एच जी ओ रेशो आएगा 2:1, बस सिंपल सा काम है। एच आपको निकालना है, इसको आप एक्स कोमा वाई मान लीजिए, ये तो आपको निकालना है, जी आपको गिवन है कितना बेटा 3.3 एंड सर्कम सेंटर गिवन है 6.2, बस आगे तो आप कर ही लोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे यहाँ पे, बोलो सेक्शन फॉर्मूला क्या सब बच्चे लगा सकते हैं, सबने, सबको आता है सेक्शन फॉर्मूला, देखो ये वाला जो 3 होगा सेक्शन फॉर्मूला से, ये 3 किसके बराबर होगा, अपॉन में रेशियोज का सम दैट इज 2+1, और ऊपर क्या आता था याद है, 2 × 6 प्लस 1 × x। बोलो कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है, पहले तो ये बताओ क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज है कि नहीं, जल्दी से एवरीबडी, सारे बच्चे बताओ यार जल्दी से, सबका रिप्लाई आना चाहिए, बाकी बच्चे भी जो जो जाग रहा है जल्दी से रिप्लाई भेजो, ठीक है, वेरी गुड, चलो सबका यस आ गया। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो कितना आ रहा है, 2+1 3 को इधर मल्टीप्लाई कराइए, 3 × 3 = 9, तो हो जाएगा 9 = 12 + x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -3, x की वैल्यू -3। ऐसी y की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट भी 3 है, = 2+1 2 × 2 + 1 × y, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 = 4 + y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जल्दी से बताओ आप में से किस किस का आंसर सही आ रहा है इस क्वेश्चन का, -3.5, एवरीबडी पक्का सबका सही आ रहा है। तो ये कंसेप्ट याद हो गया, हमेशा याद रखेंगे HGO 2:1, H क्या होता है ऑर्थो सेंटर, G क्या होता है सेंट्रॉइड, O क्या होता है सर्कम सेंटर। मैं कैसे याद रखूंगा सर, अबे लिखता रहे बार बार लिखता रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है बार बार पेन से लिखते रहो, अच्छा एच का मतलब ये, जी का मतलब ये, ओ का मतलब ये, घर पे क्विज खेल लो, है ना, घर पे क्विज खेल लो, पापा को बोलो लो ये रही मेरी मैथ की कॉपी, पूछो जो पूछना है, ऐसे बोल के देखो, देखो पापा एकदम खुश, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी, है ना, क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और,
अलग कंसेप्ट पे है, पर ये है ना जो पीछे अभी हमने कर लिया था उसके ऊपर है ना। द लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, आपको गिवन है ट्राइंगल के वर्टेक्स है 0.3, 4.0 एंड 0.0। ये आपको ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं 0.3, 4.0, 0.0। फाइंड एक्स सेंटर, अब की बार क्या निकालना बेटा, फाइंड एक्स सेंटर, फाइंड एक्स सेंटर ओपोजिट टू, ओपोजिट टू 0.0। 0.0 के ऑपोजिट में आपको एक्स सेंटर निकालना है, 0.0 के ऑपोजिट में आपको एक्स सेंटर निकालना है। सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम अपने मनी मन में आप लोग बनाओ, मनी मन की कॉपी पे बनाओ, अच्छे से बनाओ। देखो ये डायग्राम बना लिया पहले, तो इसको डायग्राम ऐसे बना लिया है ना, 0.0 के विपरीत बनाना है। यहाँ 0.0 लिख लिया, यहाँ क्या लिख लिया बेटा, यहाँ लिख लिया बनने 0.3 और यहाँ लिख लिया 4.0, ऐसे बना लिया, क्या दिक्कत है, ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके सामने वाला एक्स सेंटर बनाना है, तो इसके सामने एक्स सेंटर कैसे बनेगा, जब ये साइड आगे जाएगी, ये साइड भी बेटा आगे जाएगी, बोलो सही बात होती थी। फिर आप क्या करते थे, आपको याद है इसके सामने कैसे बनाते थे, यहां से तो आप इसका बाइसेक्टर ऐसे, यहां से इसका और यहां से इसका, तो ये पॉइंट आता था, बोलो याद है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, अभी किया पहला लेक्चर, जल्दी बोलो अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, सभी बच्चे रिप्लाई दो यार, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, पक्का सबको क्लियर हो रहा है, इसके सामने वाला 0.0 के सामने वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, इनकी लेंथ तो आप लोग निकाल ही लोगे है ना, इनकी लेंथ तो आप लोग निकाल ही लोगे, निकाल लेते हैं। पहले इसकी लेंथ बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से, क्या इसकी लेंथ 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख भी रहा है 0.0 से 0.3 तक 3 यूनिट आएगा है ना। यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी आ रही है बेटा, यहाँ से यहाँ 4 आ रही है, जल्दी बोलो। और यहाँ से यहाँ बता दो बस आप, तो मुझे ये वाली लेंथ कितनी आ रही है ये बता दे कोई बच्चा, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर है उसको। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जल्दी से बताओ, शशांक आ गया, जल्दी बताओ, शशांक ने बता दिया है, बाकी बच्चे भी बताएंगे जल्दी से, आदित्य ने बता दिया, आर्यन ने बता दिया, सक्षम ने बता दिया, जो सही बता रहे हैं मैं उनका नाम देता रहा हूँ, आर्यन सिंह हो गया, आर्यन सिंह ने भी बता दिया है ना, आदित्य, आर्यन मोल, ठीक है। उसके बाद मानविंदर ने बता दिया, लवेश ने बता दिया, अनिकेत काद्यान, अरुण दुहन, मानविंद्रा, इन सब बच्चों का आ चुका है बिल्कुल सही, अरुण कुमार का सही है, ना 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 ना, ना। रीजन का सही है, तो इन बच्चों का जिन्होंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला सही लगा दिया, इसमें जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला वो आपको लगाना बेटा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो देखो आप ही को लगाना है, तो ये आ जाएगा 5, डिस्टेंस फॉर्मूला आप ही को लगाना है, आ जाएगा 5, वो आपको लगाना है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत पहले कर चुके हम लोग, तो ये आ जाएगा 5, डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है 5। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ, जब इसके सामने वाली साइड के, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो सबको याद है, फॉर्मूला सबको याद है, मैं भी आपको याद करा दूंगा, देखना सामने से, यह हो गया कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए बोल दो, इसको कैपिटल बी बोल दो, इसको कैपिटल सी बोल दो। तो जब ए के सामने वाला लिखना होता था, किसको नेगेटिव करते थे, बोलो, ए के सामने वाले को जब हम लिखते थे एक्स सेंटर को, तो किसको नेगेटिव लिखते थे फॉर्मूला में, सब बच्चे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले किया था, ए को नेगेटिव लिखते थे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था याद है, माइनस का ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय क्या होता था बेटा, याद करो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये होता था एक्स कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट होगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन में माइनस का ए प्लस बी प्लस, ये होता था बेटा कि नहीं होता था, फॉर्मूला याद है सबको, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, बस सारी वैल्यूज डाल दो, क्या दिक्कत है, सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा है ना, डाल देते हैं देखो, तो माइनस ए, ए की जगह तो 5 आ गया, स्मॉल ए की जगह, कैपिटल ए के सामने वाला तो स्मॉल ए होता था, ये आपका स्मॉल ए है, ये आपका स्मॉल बी है और ये आपका स्मॉल सी है, बस वैल्यूज डाल दो, आंसर निकाल दो, बोलो सही बात है, कर दोगे यहां से आगे सब बच्चे, चलो निकालो आंसर भेजो अभी के अभी, आई वॉन्ट आंसर राइट नाउ, सभी बच्चे निकालेंगे, देखते हैं किस किस का सही आएगा, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से आंसर निकालेंगे, मैं देखना चाहता हूँ आप में से किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सक्षम का आंसर सही आ गया, सक्षम का आंसर सही आ गया अभी तक, एक्स कोऑर्डिनेट मैं बता देता हूँ ताकि जो बच्चे कर रहे हो, चलो आर्यन अनमोल का आंसर सही आ गया, दो ही बच्चों का सही आया है, बाकी जिन्होंने भेजा उसका गलत है बेटा, इसका मतलब दो ही बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। उसके बाद मुकुंद का आंसर सही आ गया है, मुकुंद का आंसर, मॉड्यूल के पहले 10 क्वेश्चन में अगर आप में से किसी का डाउट है तो वो बताओ,
फ्रॉम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे का डाउट है। चलो किसी का डाउट नहीं है पहले 10 में से। पांचवा क्वेश्चन, चलो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एवरीबॉडी ध्यान देगी। क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज शोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अच्छा चलो बेटा, आपको ऐसा दे रखा है, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, एक लाइन आपको दे रखी है, ठीक है, एक लाइन आपको दे रखी है ऐसे, ये कोई लाइन आ गई, ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है लाइन का, और मिड पॉइंट आपको गिवन है बेटा कितना है, 4, -3। मिड पॉइंट इज 4, -3, ठीक है। चलो मिड पॉइंट 4, -3 आपसे पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू बताइए क्या क्या आएगी। एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है ए, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है बी। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको ये दिमाग में रखना है, आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ये ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे आप क्या मान सकते हैं, x,0 मान सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को x,0 मान सकते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे आप 0,y मान सकते हैं, उसे आप 0,y मान सकते हैं। अब क्योंकि ये पॉइंट मिडल में आ रहा है तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस ए और बी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा कि x+0/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, इक्वल टू आना चाहिए 4 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। तो ये जो पॉइंट आ गया दैट इज 8,0, x की वैल्यू आ गई है। ऐसे y कोऑर्डिनेट पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कितना आएगा, 0+y/2 इक्वल टू आ गया -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -6, y की वैल्यू कितनी आ गई -6, ठीक है। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बच्चों ने जो भेजा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है आपसे बेटा, 7 क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना बेटा द इक्वेशन ऑफ लाइन, हालांकि अभी हमने इसको करना है अभी आगे के लेक्चर में, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मेरा आपसे सवाल ये है बेटा, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, यानी कि कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास कर रही है, अगर कोई लाइन 0,0 से पास कर रही है तो 0,0 डालने पे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके, जो ऑप्शन है, और फिर आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है वाई इक्वल टू टू, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू फोर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x, और चौथा ऑप्शन दे रखे हैं नन ऑफ दीज। अब आप बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 दोनों पुट करूं और LHS और RHS बराबर आ जाए, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको जिसमें दोनों बराबर आ जाए। सी दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या, है ना, आप x की जगह 0 डालिए, y की जगह 0 डालिए, 0 बराबर 0, ये ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ 0 बराबर 2 आ रहा है तो ये गलत है, 0 बराबर 4 आ रहा है गलत, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता जब ये आ गया, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से पास कर रही है मतलब उसके अंदर आप क्या पुट कर सकते हो, 0,0 पुट कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर, बोलिए। जल्दी से एवरीबॉडी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ बच्चा पूछ रहा है, भाई वो भी देख लो, कह रहा था लाइन x इक्वल टू 2 पासिस थ्रू द पॉइंट, कि x इक्वल टू 2 ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से पास कर रही है। सबसे पहले ये बताओ ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के या y एक्सिस के, ये जो लाइन है x इक्वल टू 2 ये किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी या y एक्सिस के, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, लगभग लगभग एक बच्चे ने शायद बीच में किसी ने गलत दे दिया, बाकी सब बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, सब ने आंसर, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि x इक्वल टू 2 जो लाइन है बाकी सब ने आंसर सही दिया है, एक दो बच्चों ने शायद गलती हो गई बेटा, x की वैल्यू 2 यहाँ मिलेगी तो जो लाइन होगी वो ऐसे आएगी x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये होती है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, यहाँ पर आएगी ये लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पर आएगी, बोलो सही बात है, और ये पैरेलल आएगी y एक्सिस के। तब ये जो लाइन आएगी x इक्वल टू 2 इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी बदलता रहेगा, मान लो यहाँ पर कुछ और y है, यहाँ कुछ और y है, यहाँ कुछ और y है, लेकिन x 2 ही है। अब इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या दे रखे हैं, 2,0, फिर दे रखा है 2,-1, फिर दे रखा है 2,1000, और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी ऑल ऑफ दीस, डी दे रखा है ऑल ऑफ दीस। तो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू 2 रहनी चाहिए, y तो कुछ भी होगा, x की वैल्यू 2 रख लो, y कुछ भी हो सकता है, तो जब कुछ भी हो सकता है y, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तीनों हो सकता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो टू रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या बोल रहा है वो, कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है बेटा। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाउट के लिए बोल रहा है बेटा, ग्यारहवां ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ग्यारहवें में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो किसका ग्राफ पूछ रहा है आपसे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो का ग्राफ पूछ रहा है। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो डब्बा बनाओ, ग्राफ के लिए वही तो करते थे, डब्बा बनाते थे, एक्स आता था वाई आता था, एक्स आता था वाई आता था। आप देखो एक्स की जगह जीरो डालो तो वाई की जगह भी जीरो आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह जीरो डालोगे वाई की जगह जीरो आ गए, ऐसे ही एक्स की जगह वन डालोगे तो वाई की जगह माइनस वन आ गया, एक्स की जगह वन डालोगे वाई की जगह माइनस वन। ड्रॉ करके देख लो ग्राफ को, तो एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो, ये रहा पॉइंट हो ओरिजिन पर, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन यहाँ आती है वाई की वैल्यू माइनस वन यहाँ आती है, तो पॉइंट यहाँ आ जाए, तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। बोलो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बोलो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। वो जो क्विज वाला मैंने आपको दिया था, वो एक मेरे को ऐप मिली थी ऑनलाइन, जिसपे थोड़े बहुत मुझे लग रहा था काम की चीज है, लेकिन मैंने सुना कि काफी बच्चों ने मुझे बताया कि उस पर काफी क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे थे, है ना, क्लियर, काफी क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे थे, तो इसलिए वो मैंने वो कैंसिल कर दिया। मैंने छोड़ो, गलत करने से अच्छा है कि अपन मॉड्यूल बनाएंगे, है ना, मॉड्यूल में सही सारा काम सही है जबकि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोलो बेटा ग्यारहवें के बाद, पहले 15 तक कोई और डाउट है क्या आपका, 15वां है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट। बेटा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, देखो जरा ध्यान से जल्दी से, ये रहा पॉइंट, क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है आपको एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू -2, तो एक्स की वैल्यू -3 बेटा यहाँ मिलेगी और वाई की वैल्यू -4 कहीं आपको नीचे की तरफ यहाँ मिल गई -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट, एक्स एक्सिस की दूरी बताइए, यानी ये दूरी बतानी है आपको, ये वाली, समझ रहे हैं आपको कौन सा आंसर बताना है, आपको पूछा है ये वाली दूरी, ये कितनी लगती है बेटा, कितनी है ये, बोलो ये कितना डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेके यहाँ पे, 4 यूनिट्स, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स, तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। आप आंसर में -4 भी दे रखे तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, आंसर 4 यूनिट्स ही आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पक्का, बोलो। 13th क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन कट्स द वाई एक्सिस। बेटा आसान है, कोई भी इक्वेशन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, इंटरसेप्ट वाली चीज मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को, बोलो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है ना, कि अगर आपको वाई एक्सिस पे कट करवाना है तो आपको क्या चीज जीरो रखनी पड़ती है, जल्दी बताओ। अगर आपको कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे चाहिए तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट जीरो होता है, वाई एक्सिस के ऊपर बताओ, हाँ भाई मैं जल्दी से बता बेटा, y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट जीरो आता है, x कोऑर्डिनेट जीरो आता है, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट जीरो आता है, सिंपल सी बात है ना, तो x को जीरो डाल दो, x को जैसे ही जीरो डालोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलगी, देखो जीरो डालते ही y की वैल्यू कितनी मिलगी, 3 मिलगी, खत्म, बोलो सही है, आसान, 0, आपका पॉइंट आ जाएगा 3, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा, 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। इफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस, बेटे करवा चुका हूं, ये तो क्लास में करवाया है, 17th क्वेश्चन तो बेटा क्लास में करवा चुका हूं मैं, बोलो नोट्स में चेक करो, 17th क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें दिक्कत होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है, बस जो आंसर आएगा वो आपको पॉजिटिव में काउंट करना है, ठीक है, तो उसको आप लोग नोट्स में देखिए, नोट्स में करवा रखा है, ठीक है, नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, आप नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। उसके बाद 20th क्वेश्चन, 20th देखिए, 17th मेरे नोट्स में है, नोट्स में देखना बेटा, ठीक है। पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, चलो बना लेते हैं, ये एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है जी, इसके वर्टिसेस क्या है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, लिख लेते हैं, पी दे रखा है 1, 2, Q दे रखा है 4, 6, R दे रखा है 5, 7 एंड ये दे रखा है आपको a, b, पर आपको वैल्यू बतानी है ए बी की क्या आएगी, है ना, पैरेललोग्राम है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद है, पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी थी क्या, इसके डायगनल बाइसेक्ट करते थे, यानी जो मिड पॉइंट इसके डायगनल का आएगा वही मिड पॉइंट इसके डायगनल का आएगा, ये वाला,
समझ रहे हो, ये जो ओ पॉइंट है ये मिड पॉइंट इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो जब पी आर का मिड पॉइंट होगा, व्हेन ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, पी आर का। जब ओ पी आर का मिड पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, 1 + 5/2, 1 + 5/2 कोमा 2 + 7/2, 2 + 7/2 ये तो आ गया जब इसका मिड पॉइंट होगा। और यही मिड पॉइंट कब होगा, जब इसका होगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, लिखो a+4/2 और b+6/2, b+6/2, समझ रहे हो। बस दोनों को बराबर रख देना, बोलो हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी बोलिए क्या बराबर रख पाएंगे आप, है ना। इस चीज को इसके बराबर रख दो और इस चीज को इसके बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी करवाया हुआ है मुझे लग रहा है, ये भी नोट्स में है, नोट्स को रिवाइज करो बेटा, ये भी मुझे लग रहा है कि नोट्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे, है ना। हाँ प्रयास करा है, बिल्कुल है बेटा, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है चलो, उसके बाद 25 तक कोई और क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 तक, 25 तक पहले बोलो, 25 के बाद नहीं, 25 से पहले, एवरीबडी 25th 23rd। ठीक है देखते हैं बेटा, देख 23rd कह रहा है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 2, 7, 4, -1। तो लिख लेते हैं पॉइंट क्या है बेटा, 2, 7, 4, -1, और तीसरा पॉइंट आपको गिवन है -2, 6। ये पॉइंट आपको गिवन है बेटा, ठीक है जी, ये पॉइंट आपको गिवन है। अब आपको बताना है ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये जो ट्राइंगल है ये कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है, आप सीधा इनका वो निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से और बता दें क्या क्या आएगा। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, चलो यहाँ लगाते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 4 ये आ जाएगा 36 प्लस। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी पे लगाना है बेटा, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला कॉपी पे लगाना है। तो 6 - 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये तो ये आ जाएगा। ऐसे जब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 2 - 4 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 7 - 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एंड 6 - 7 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है जी, तो ठीक है क्लियर, ठीक है चलो बस निकाल लेते हैं क्या क्या आगे साइड। एक साइड तो आ गई √68, ठीक है। दूसरी साइड यहाँ से कितनी आ रही है जरा ध्यान से देखिए, 9 और 6 15 का 5, एक ऊपर 4 3 7 और 1 8, ये आ गया √85। और ये वाली साइड कितनी आ रही है, √70। तो ये तो स्केलिन आ रही है ना। या एक चीज और भी देख लो, एक चीज और देख लो, कई पाइथागोरस तो फॉलो नहीं कर रही। पाइथागोरस फॉलो करने का मतलब जो छोटी दो साइड्स होती है उनका स्क्वायर जोड़ने पे, कहीं तीसरी का स्क्वायर तो नहीं आ रहा। देखो 68 और 17 का स्क्वायर जोड़ने पे क्या ये आ रहा है, इसका स्क्वायर 68, इसका स्क्वायर 17। 68 और 17 क्या 85 होता है या नहीं होता है, जल्दी से बोलिए क्या ये 85 होता है या नहीं होता है, 68 + 17 बेटा होता है कि नहीं होता। सब कह रहे हैं होता है, अगर होता है बेटा तो ये कौन सी होगी, पाइथागोरस फॉलो करेगी, और अगर पाइथागोरस फॉलो होगी तो कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आंसर क्या आएगा इसका, राइट एंगल ट्राइंगल, समझ रहे हैं, पाइथागोरस फॉलो कर रही है साइड, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, जिसका भी डाउट था ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 21 एंड 24 आप ग्राफ की मदद से भी बना सकते हो बेटा, बट उससे भी आसान क्या रहेगा, पेपर में तो ग्राफ मिलेगा नहीं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज ही करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी चीज को पैरेललोग्राम दिखाना है तो आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, है ना। या फिर आप डायगनल्स को बाइसेक्ट दिखा दो तब भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, है ना। स्क्वेयर के लिए वही चीज है, रेक्टेंगल तो आपको देखना पड़ेगा कैसे, है ना, जरूरी नहीं है कि आप उसी से करेंगे। क्लियर, ठीक है भाई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आज हम यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक, है ना, 25th से आगे हम कल बढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेट ग्राफ से बेटा आपको अंदाजा नहीं लगेगा, सही बताऊं मैं, है ना, ग्राफ से आपको प्रॉपर अंदाजा जरूरी नहीं है कि लगेगा ही लगेगा, एक्चुअल में दिक्कत ये है। ठीक है, ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा बने